समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गुरुवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से मुलाकात कर राजनीति से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। किसान आंदोलन पर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को किसानों का हक देना चाहिए। भाजपा सरकार एक तरफ चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न दे रही है और दूसरी तरफ किसानों का उत्पीड़न कर रही है। भारत रत्न देने पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने इसको भाजपा की वोट की राजनीति बताया। सिपाही भर्ती पर उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं। रालोद के जयंत चौधरी के एनडीए से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम 7 सीटें दे रहे थे और भाजपा 2 दे रही है, 7 ज्यादा होता है या 2। उन्होंने भाजपा के विश्वगुरु वाले बयान पर बोलते हुए कहा कि वर्तमान में किसान दुखी हैं, सब कुछ बांधकर दिल्ली जा रहा है, ये विश्वगुरु देश की तस्वीर है। मुजफ्फरनगर में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे अखिलेश यादव ने इस दौरान मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक और कैराना लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी इकरा हसन, विधायक स्वामी ओमवेश और चरथावल विधायक पंकज मलिक से भी शिष्टाचार मुलाकात की। स्ट्रीट बस के लिए मुजफ्फरनगर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले अनिल रॉय जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने पारिवारिक कार्यक्रम में मुझे याद किया। मैं इनके परिवार का धन्यवाद देता हूं और जो बच्चे अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे उनको मैं पूरे जीवन भर के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक सवाल राजनीति का है, जो सरकार डबल इंजन का दावा करती है और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर का दावा करती है, विश्व गुरु बनने का दावा करती है, कोई गांव शायद ही बचा हो जिसमें विकसित भारत यात्रा को लेकर के संदेश न पहुंचाने का काम किया हो। और कहने को ये कहते हैं कि अमृत काल है। अगर ये अमृत काल है, आप दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हमारा किसान क्यों धरना दे रहा है? किसान क्यों दुखी है? किसान क्यों परेशान है? किसान क्यों ट्रैक्टर लेकर के, अपनी ट्रॉली लेकर के, और क्यों किसान अपने सब कुछ बांध करके दिल्ली के पास जा रहा है और दिल्ली कोई उनको जवाब नहीं दे पा रही? और तब जब यहाँ के नहीं बल्कि पूरे देश के चौधरी चरण सिंह जी किसानों के सवाल पर और गरीबों के सवाल पर सबसे मुखर थे, उनको सम्मान दिया भारत रत्न से, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न, और उसके बाद सरकार ने कहा था कि आय दोगुनी होगी, क्या किसान अपनी फसल की आय दोगुनी पा रहा है? और अगर फसल की कीमत भी नहीं मिल रही उसको, और इस महंगाई में, इन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा किसान के ऊपर संकट है। जिस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनियां या विदेश की कंपनियां दबाव बना रही हैं बीज को लेकर के, अनाज को खरीदने को लेकर के, अपने बाजार को कब्जा करने के चक्कर में, मैं उदाहरण दे सकता हूं, चीनी का क्षेत्र है, ये अलग सवाल है। किसान को गन्ने की क्या कीमत मिले आज की महंगाई में, सरकार को आगे आना चाहिए था। गेहूं किसके लिए खरीदवा रही है सरकार? पैकेज आटा किस पर पहुंच रहा है? उसमें मुनाफा कितना कमा रहे हैं? रिफाइंड तेल जिसके बिना खाना नहीं बन सकता गरीब का, घी रिफाइंड, सरसों का तेल, इसका बाजार किसके हाथ में जा रहा है? तो सवाल बाजार का है और बाजार के ऊपर किसान को छोड़ रहे हैं। एमएसपी सरकार दे, एमएसपी की लड़ाई किसानों की पक्षी लड़ाई है। और जब भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न दे करके वोट लेना चाहती है, तो वोट लेने के लिए किसानों की सुनवाई करे, उनकी जो मांगे उनको माने, और दूसरी तरफ हमारा नौजवान जो दुखी है, परेशान है, और पुलिस की भर्ती में पेपर लीक, ये कैसी सरकार है? हर चीज लीक हो जाती है, इसमें लीक हो रही हर चीज। अखिलेश जी, आप बताइए कोई परीक्षा बची हो, कोई परीक्षा बची हो जिसमें लीक ना हो गई हो पेपर? और अगर मान लीजिए
50 लाख से ऊपर नौजवानों ने परीक्षा दी है और उसमें अगर 1 लाख बच्चे पूरे के पूरे आंसर दे आएंगे तो क्या ये सरकार उनको नौकरी देगी? और मान लीजिए 10 लाख बच्चे होंगे, क्या उनके साथ धोखा नहीं है? 50 लाख बच्चों के साथ धोखा नहीं हुआ पेपर लीक करके? और 50 लाख का हिसाब लगाइए, हर परिवार में 5 सदस्य, 5 × 50 लाख, 2.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मेरे मेरे साथी दो बड़े के साथ बड़े हैं, तो फिर साथ तो हमने दिया था। अगर अगर हमारे पत्रकार साथी को नहीं, कोई नहीं दिया, ये गलत बात है। राजनीति में समाजवादी पार्टी को बहुत लंबा सफर करना है। और एक मिनट, क्योंकि यहाँ मैं बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरे पे सूची है मोबाइल पर, नाम किसने दिए, नाम कौन चाहता था, नाम मांगे गए, नाम दिए गए। कोई भी आरोप ये नहीं लगा सकता कि समाजवादी पार्टी थोप रही है। और फिर हरिंदर मंडल जी के लिए मैंने ये कहा कि ये बातचीत कर लेंगे आपके दल से, और बातचीत में अगर आप संतुष्ट हो जाएंगे और अगर नहीं संतुष्ट होंगे तो हमें बताएंगे, और परिवार के उनका कोई सदस्य लड़ेगा तो हरिंदर मंडल जी नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारी पार्टी के प्रति इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए किसी को, क्योंकि पार्टी ने आपको सम्मान दिया और हमारी कोशिश रही है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी से लगा केवल आप लोगों को तो है ही है, हमारा भी लगाव है, नेताजी का लगाव रहा, पार्टी का लगाव रहा, इसलिए हम चाहते थे वो पार्टी आगे बढ़े। और याद करना, जब पहली बार तबस्सुम हसन जी जीती थी तो मैंने क्या कहा था कि ये चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को मैं वापस कर रहा हूँ, और जीरो से हमने कितने विधायक समाजवादियों ने मिलकर के बनाए, जीरो से। मैं ये चाहता था कि हर सदन में हैंडपंप दिखे, लेकिन अब आपकी मर्जी, अगर आपको 2 नंबर ज्यादा लग रहा है बड़ा साथ से, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक मिनट, अरे भाई आप जब सीट छोड़ दोगे तो हम किसी को तो देंगे ना, भाई आप एक मिनट। और फिर मंत्री का सपना दिखाना कि आपको मंत्री बना देंगे, अरे भाई मंत्री में के कितने गठबंधन लाइन में, जितने भी बीजेपी के सहयोगी दल है उन सबको वादा किया है कि 2-2 मंत्री बनाएंगे। देखिए जो सहयोगी दल है, मान लीजिए निषाद पार्टी है, उनसे कहा कि आपका एक और मंत्री बनेगा। हाँ, एक दल है जो बड़ा इंतजार कर रहा है बहुत दिनों से तो वो कहा कि आपके भी 2 मंत्री बनेंगे। और जो पुराना दल था उससे भी कहा कि आपका राष्ट्रवाद भेजेंगे नहीं तो मंत्री बनाएंगे। जो नया दल जुड़ा है उससे कहा गया कि एक प्रदेश में एक दिल्ली में मंत्री बनेगा। फिर तो ये सब चीजें सामने हैं आपके, तो फिर बीजेपी बयान आया है, फिर बीजेपी धार्मिक हूँ क्योंकि मुझे राष्ट्र के लिए काम करना है। राष्ट्रवादी वो व्यक्ति होगा जो हमारे किसान और हमारे दुख को समझता होगा। राष्ट्रवादी भाषण से नहीं हो सकता, राष्ट्रवादी आप भारत माता की जय बोलेंगे और अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाएंगे। आप राष्ट्रवादी तब होंगे जब किसान को आप उसका हक देंगे, नौजवान को नौकरी दोगे। तभी तो कहा ना जय जवान जय किसान, अगर जय जवान जय किसान का महत्व नहीं समझते हो तो आप राष्ट्रवादी नहीं है। देखिए जो आना चाहे स्वागत है सबका, क्योंकि बीजेपी ने सबको वादा किया मंत्री बनाने का। कांग्रेस से गठबंधन हो गया क्या, मायावती या आजाद समाज पार्टी से भी आपका गठबंधन होगा? देखिए ये इंडिया गठबंधन की कई बैठक हो चुकी है और कई बैठकों में और कई मौकों पर